खंडेलवाल वैश्य समाज समिति अजमेर के तत्वावधान में 7 दिवसीय खंडेलवाल दिवस समारोह 29 जनवरी से समाज भवन में आयोजित किया जाएगा। समिति के रमेश चंद ने बताया कि समारोह में चित्रकला प्रतियोगिता, संत सुंदरदास रचना पाठ प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता व बाल समूह नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बुधवार को बलराम संकीर्तन मंडल की ओर से 7 दिवसीय कार्यक्रम का झंडा फहराकर शुभारंभ किया गया। श्रीनगर रोड से सत्यनारायण मंदिर में रामधनी सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। बलराम संकीर्तन मंडल की तरफ से किया गया है। आज हमारा विशेष पर्व है बसंत पंचमी को हम खंडेलवाल दिवस के रूप में भी मनाते आ रहे हैं और ये खंडेलवाल समाज के गर्व की बात है कि आज हमारे श्री संत सुंदरदास जी का भी जन्म दिवस है, जयंती मनाई जा रही है और इसी पर्व में पूरे भारतवर्ष के अंदर खंडेलवाल दिवस के रूप में सारा खंडेलवाल समाज झंडा फहरा करके अलग अलग तरीके कार्यक्रम करके खेल कूद करके सब तरीके से पूरे और ये कार्यक्रम 7 दिन तक पूरे भारतवर्ष में खंडेलवाल समाज की ओर से चलता है। आज तो ये कार्यक्रम रामधुनी के साथ में किया गया है, आगे इसको और बड़े रूप में 2-4 दिन में किया जाएगा। संत सुंदरदास जी का स्थान जो है हमारे राजस्थान के अंदर दौसा के अंदर है, वहाँ पे इनका भव्य स्मारक बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा स्मारक है। अभी भी उसका निर्माण कार्य चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान का मंदिर हमारे समाज का ही है, श्रीनगर रोड अजमेर पर स्थित है, वहाँ पे आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये बसंत पंचमी का उत्सव खंडेलवाल समाज 7 दिन तक मनाएगा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।